कि जेई मेन्स का सिलेबस 2024 ऑनवर्ड्स चेंज हो चुका है। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, फिजिक्स में चेंजेस हुए हैं, आपकी केमिस्ट्री में चेंजेस हुए हैं, मैथ्स में चेंज हुए हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज निशी फ्रॉम टॉपर्स एकेडमी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टॉपर्स एकेडमी ऑल्सो। So today I'm sharing a very important update, and this update is really really important for all the JEE mains aspirants of 2024. ये news उन सभी बच्चों के लिए बहुत important है जो 2024 के sessions में अपना JEE mains का exam देने वाले हैं, whether they are going to appear in January session or they are going to appear in April session. कुछ टाइम पहले ये न्यूज आई थी कि JEE मेन्स का जो सिलेबस है 2024 के लिए वो अपडेट होगा, यानी कि वो चेंज होगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएंगे। उस वक्त ये न्यूज आई थी। अब जो लेटेस्ट न्यूज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि उसमें ये है कि JEE मेन्स का सिलेबस 2024 ऑनवर्ड्स चेंज हो चुका है। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, फिजिक्स में चेंजेस हुए हैं, आपकी केमिस्ट्री में चेंजेस हुए हैं, मैथ्स में चेंज हुए हैं। हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ टॉपिक्स, कुछ ना कुछ सब टॉपिक्स ऐड किए गए हैं या फिर हटाए गए हैं, ज़्यादातर हटाए ही गए हैं टू मेक देम ईजी, राइट। सो लास्ट वीडियो में हमने एक चीज़ और अनाउंस की थी आपको कि जो IIT मेन्स का जो आपका एग्ज़ाम है वो अब तक कौन कंडक्ट करा रहा था, वो अब तक कंडक्ट करा रही थी आपकी NTA टीम, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट विल बी कंडक्टेड बाय नेशनल एपिक्स बोर्ड्स। आपका IIT एपिक्स बोर्ड्स जो है वो आपको कंडक्ट कराया IIT का एग्जाम, NTA जो है वो बैकएंड का काम करेगी। सो अभी क्या है स्ट्रैटेजीज अब आप बना लीजिए, क्योंकि हालांकि सिलेबस चेंज हुआ है तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बना के रखी होंगी जो थ्रू आउट द ईयर, जब से आपका एडवांस एग्जाम हुआ है जून में तब से लेके अब तक अपनी तैयारी में लगे हुए थे। किस बेसिस पे? जो पुराना पैटर्न था आपका, पुराना जो सिलेबस था उसके पैटर्न पे अपनी तैयारियां वो कर रहे थे, राइट। अभी क्या है, अभी क्या चल रहा है आपका नवंबर, अभी इतने टाइम के लिए आपका आ गया सिलेबस चेंज हो चुका है और हार्डली आपके पास 2 से 1.5 महीना रह चुका है, क्योंकि जनवरी में है आपका फर्स्ट सेशन, राइट। तो जनवरी में आपका फर्स्ट सेशन है तो आपके पास हार्डली 1.5 से 2 महीने रह चुके हैं और सिलेबस हो चुका है अपडेट, यानी सिलेबस हो चुका है चेंज। तो मैं इस वीडियो में लिंक मेंशन कर दूंगी कि कहां से ये न्यूज़ आई है और क्या क्या सिलेबस चेंज है, वो सारी PDF फॉर्म में हमने यहां पे मेंशन कर रखा है कि आपका मैथ्स में चेंज हुआ है, जो आप कुछ यूनिट्स हैं आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, परम्यूटेशंस, इन सब में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। और अगर मैं बात करूँ आपके फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री की, तो उसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स चेंज किए गए हैं, कुछ कुछ चीज़ें रिड्यूस की गई हैं उसमें। तो हार्डली आपके पास 1.5 से 2 महीने रह चुके हैं, तो अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा आपको मोल्ड करने की ज़रूरत है, पूरा नहीं, जो प्रैक्टिस आप कर रहे थे हालांकि उसी तरीके से आपने आपकी स्ट्रैटेजीज को जारी रखना है। जनवरी वाला सेशन आपको बहुत अच्छे से देना है, सिलेबस इतना कोई चेंज नहीं हुआ है कि आपकी आपकी तैयारी पर कोई उसका फर्क पड़े, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली इफ़ यू आर नॉट एबल टू लाइक कंप्लीटेड टिल द जनवरी सेशन, तो नो डाउट आपके पास अप्रैल का सेशन भी आप उसमें कीजिए। अगर सिलेबस चेंज होने का कहीं ना कहीं अगर प्रभाव पड़ता है तो आप जनवरी में ना देख के उसको अप्रैल में भी कर सकते हो, देर इज नो हार्म इन टू इट, ओके। सो यही न्यूज हमें आपका शेयर करनी थी कि जो भी सिलेबस आपका अपडेट हुआ है, जो भी आपका अपडेट हुआ है, चेंज हुआ है, वो आप वेबसाइट पे जाके जो हम मेंशन करेंगे लिंक, आप उसमें जरूर जाकर देखिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी 1.5 से 2 महीनों के बीच के लिए अपनी वो स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, जनवरी वाले एग्जाम के लिए अपीयर कीजिए एंड जस्ट स्कोर गुड ऑल्सो। सो सिलेबस अपडेट होने का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत पेपर हार्ड आ जाएगा आपका या फिर एग्जाम आपका बहुत इजी आ जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के ही ये एग्जाम जो का जो पैटर्न है वो चेंज किया गया है, जो सिलेबस है वो चेंज किया गया है। इसमें स्टूडेंट्स का कुछ भी लाइक उनका नुकसान हो ऐसा कुछ सोच के तो नहीं किया गया है, टू मेक इट फेयर इनफ, इसीलिए ये सिलेबस जो है आपका अपडेट किया गया है। तो आप अपने जितना भी आपके पास टाइम बाकी रह चुका है 1.5 से 2 महीने जो भी आपके पास हैं अभी, उसमें अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से बनाइए, अच्छे से फॉलो कीजिए, अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, अच्छे से अपने आप को जज कीजिए, अपने टेस्ट दीजिए। सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा जहाँ तक भी अगर मैं कहूँ तो, जो जो बच्चे मेन्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, खासकर सभी बच्चे जो 12th में हैं अभी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, साथ के साथ खुद को JEE मेन्स के सेशन में भी वो अपियर करेंगे खुद, उन सारे ही बच्चों के लिए मैं कहूँगी अपना सिलेबस एक बार देख लीजिएगा। बोर्ड का सिलेबस अलग है, आपका IIT JEE मेन्स का सिलेबस अलग है, खासकर उन बच्चों के लिए, और जो सिर्फ JEE मेन्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस जो मैंने बोला अपडेट हो चुका है वही है।
तो दोनों ही बच्चे चाहे वो आप बोर्ड्स के साथ साथ जेई मेन्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे सिर्फ आप जेई मेन्स के लिए कर रहे हो, सिलेबस एक बार ज़रूर देख लीजिए कहाँ कहाँ पर चेंजेस हुए हैं, क्या क्या अपडेट किया गया है आपके सिलेबस में, आपको कहाँ कहाँ ज़्यादा ध्यान देना है और कहाँ कहाँ आपको थोड़ी सी लीनसी मिली हुई है, ठीक है। सो होप फॉर द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए, जितना भी वक्त रह गया अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से दीजिए एंड अपीयर हो जाइए अपने जनवरी सेशन या फिर अप्रैल सेशन के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।